खबर जबलपुर से है। यहाँ पर शारदा देवी मंदिर प्रबंधन समिति से जुड़ी खबर है। समिति पर आर्थिक अनियमितता का आरोप जो है वो हाईकोर्ट ने में दायर किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शारदा देवी मंदिर प्रबंधन समिति पर आर्थिक अनियमितता का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई की है और कोर्ट ने लोकायुक्त से 2 दिनों में जवाब भी मांगा है। मैहर में माता शारदा देवी मंदिर है, मंदिर प्रबंधन समिति पर आर्थिक अनियमितताओं का आरोप लगा है। हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। दुर्गेश, कितना बड़ा ये आरोप है, क्योंकि जब आस्था में आर्थिक अनियमितता का आरोप लग जाए तो लगता है कि भगवान भी सिर्फ पैसे उगाही का ही एक माध्यम बन गए। बिल्कुल सूरज, देखिए मध्य प्रदेश का मैहर जो स्थान है वो काफ़ी आस्था का केंद्र है और हर साल लाखों की संख्या में वहाँ पर देवी भक्त माँ शारदा के दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसे में एक ट्रस्ट वहाँ पर बनाया गया है, माँ शारदा समिति ट्रस्ट प्रबंधन है, जो पिछले कई दशकों से एक ही परिवार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और यही मुद्दा इस याचिका के जरिए हाईकोर्ट में उठाया गया है। सतना निवासी अंकित अग्रवाल है जिन्होंने ये याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी और याचिका में ये कहा गया था कि एक ही परिवार जो है, एक ही व्यक्ति जो है इस पूरे ट्रस्ट को चला रहा है, इस पूरे समिति को चला रहा है और उसी के हिसाब से दुकानों का आवंटन, मेले के ठेके, बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो एक ही व्यक्ति पे होती हैं और इसमें जमकर आर्थिक अनियमितता की जा रही है। इसका हिसाब किताब लेने वाला कोई नहीं है, इसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है और ऐसे में मनमर्जी जो है चल रही है और पूरे समिति जो है वो अपनी आर्थिक अनियमितताओं को लेकर जमकर जो है यहाँ पर बवाल कर रही है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर पहले भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, तब हाईकोर्ट ने सक्षम अधिकारियों के पास जाने के निर्देश दिए थे, जिस पर अंकित अग्रवाल ने लोकायुक्त रीवा में इसकी शिकायत की थी। लेकिन जब लोकायुक्त ने भी इस पर कार्रवाई नहीं की तो हाईकोर्ट में फिर से याचिका दायर की और हाईकोर्ट ने लोकायुक्त के निर्देश दिए हैं कि 2 दिन के अंदर इस पूरे मामले पर अपना जवाब पेश करें और इस पर क्या आगे कार्रवाई करेंगे, क्या आगे कार्रवाई की। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, क्योंकि लोकायुक्त के पास पहले शिकायत की गई थी और लोकायुक्त ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की कि उसके बाद हाईकोर्ट पहुंचा गया याचिका के साथ और हाईकोर्ट ने भी कह दिया लोकायुक्त को कि 2 दिन में जवाब दीजिए। निश्चित तौर पर आर्थिक अनियमितता से जुड़ी जांच जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि सवाल आस्था का है।